गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो उस टाइम गुड इवनिंग है, पर जब ये वीडियो अपलोड होगा उस टाइम तो मॉर्निंग होगी। इसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं मूवी। देखो टीचर लग रही है तुम। अरे तो मेरा तो वैसे ही निकलता है ना, हम क्या कर रहे हैं। तो फिर आप ही बोलो, दम से नहीं निकलता। फिर हम जैसे बच्चों से बोलते हैं वैसी आदत मेरी है, फील वही आता है। So, आज हम देखने जा रहे हैं मूवी। अब आप कैस करके बताइए हमने कौन सी मूवी देखी होगी। ओह माय गॉड और गदर टू। कैश करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको बता ही मैं देते वीडियो हैं। का टाइटल डाल दूंगा। हम वैसे कैश करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं हम गदर टू देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने गदर देखी थी। सो आफ्टर 23 इयर्स तो ये देखने तो बनती है ना। सनी देओल की मूवी इतने दिनों बाद आ रही है, इतने दिनों बाद नहीं इतने सालों बाद आ रही है, तो देखना तो बनता है। और ओ माय गॉड भी देखनी चाहिए। बट हमारे पास दोनों ऑप्शन समझ थे, हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, गदर देखे या ओ माय गॉड टू देखे। फिर हमने डिसाइड किया गदर देखी जाए। गदर देखते हैं। गदर से पुराने नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें हैं। और मेरी पहली मूवी थी गदर, लाइफ की पहली मूवी थिएटर में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो गदर मूवी देखेंगे। एंड फिर आपको बताते हैं कि उसके रिव्यूज आपको भी देखनी चाहिए। ऑनेस्ट रिव्यूज मिलेंगे हमारी तरफ से, नो पेड रिव्यू, क्योंकि हमें खुद अभी पैसे नहीं मिल रहा। सो ऑनेस्ट रिव्यूज अच्छी होगी तो अच्छी बताएंगे, खराब होगी तो खराब बताएंगे। ओपिनियन डिफर कर सकती है, जो हमें जैसी लगेगी हम वैसा बताएंगे। सो मिलते हैं आफ्टर मूवी। बाय बाय। अच्छा रचना जी, मूवी देखी आपने, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बोलेंगे लोगों से जाना चाहिए, देखना चाहिए वो कोई मूवी। चलो आपको कैसे लगी मूवी? सही थी मूवी देख के। एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ, बॉलीवुड मूवी में पाकिस्तान का काम लड़के सप्लाई करना, पठान हो, गदर वन हो, गदर टू हो, या फिर टाइगर टाइगर हो, टाइगर जिंदा हो। मदर फर्स्ट में उसकी माँ इरिस्पॉन्सिबल थी और इसमें उसका बेटा इरिस्पॉन्सिबल और पाकिस्तान पहुंच जाता है। चलो बट ओवरऑल मूवी तो अच्छी थी, जाना चाहिए आपको देख। तो मूवी की स्टार्ट होती है हामिद इकबाल से। हामिद इकबाल मेजर जनरल है और उसे बहुत नफरत है इंडियन से और इंडिया से, इसलिए कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस खराब थे। तो वो बदला लेना चाहता है हर हिंदुस्तानी से और हिंदुस्तान से। इंडिया में जो तारा सिंह को दिखाया गया है, उसके आगे दिखाया गया है, वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। और तारा सिंह अब केवल ट्रक ड्राइवर से आगे बढ़ चुका है, वो अब ट्रक ड्राइवर की यूनियन भी चलाता है और हेल्प भी करता है इंडियन आर्मी की। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो लड़ाई के बीच में फंस जाता है और उसकी फैमिली को लगता है कि वो पाकिस्तान में फंस गया है। पाकिस्तान में फंसा है या नहीं ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा, उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हमने स्पॉइल आपको नहीं सब करूंगा बता मैं। देंगे तो फिर आपको मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। आपको जाना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। ओवरऑल एक्टिंग सबकी ओके ओके है। अगर कोई भी सीन हो, अगर सनी देओल है अपने तारा सिंह जी हैं वो सीन में, तो वो सीन छप्पर फाड़ है। बस बाकी अगर हम सब रिवील कर देंगे तो आप जेट मूवी कैसे एंजॉय करेंगे। तो आप जाइए थिएटर में, मजा थिएटर में आएगा ये मूवी। ऑनलाइन का वेट मत करिए। हाँ ऑनलाइन के लायक नहीं है, पूरी मूवी नॉस्टैल्जिया पे खेल रही है, सॉन्ग वही रखे हैं पुराने, और जो नए सॉन्ग हैं वो तो याद रहते नहीं, वो तो बस ओके ओके हैं, वो कब आएंगे कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी अच्छा ही है कि पता नहीं चल रहा है एटलीस्ट। पहले फर्स्ट वाली मूवी में तो वो सॉन्ग रिक्रिएट किया गया और अच्छी चीज ये कही है
उसमें टोनी कक्कड़ और बादशाह को नहीं डाला है। फर्स्ट टाइम आदित्य नारायण ने अपने पापा के साथ गाना गाया, नहीं, इससे पहले भी गाया था फैक्ट्री जो वो सॉन्ग था ना, तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। बट दैट टाइम ही वाज ना चाइल्ड. हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट था, अभी बड़ा हो गया है। नो अभी उसके बच्चे हैं. अब वो बच्चा नहीं रहा। आपको मूवी देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। अब मूवी का मजा थिएटर में ही आएगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो एंड करते हैं। बाय, गुड बाय नाइट. बाय, टाटा, गुड नाइट। Check the mic and make sure it sound right, boys.